पेज खबर 24 में इस वक्त की बड़ी खबर सीधी जिले से। प्रदेश में हलचल मचा देने वाली खबर, पेशाब कांड का मुख्य आरोपी प्रवेश शुक्ला पुलिस के हाथ, देर रात लग गया है, पुलिस उसे पकड़कर थाने ले आई है। इसकी पुष्टि सीधी एडिशनल एसपी अंजुलता पटले ने की है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी प्रवेश शुक्ला से पूछताछ की जा रही है। हम आपको बता दें, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जो सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र का बताया गया था और इसे भाजपा नेता भी बताया गया था। साथ ही सीधी विधायक का पूर्व विधायक प्रतिनिधि भी बताया जा रहा था, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में प्रवेश शुक्ला नामक युवक एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करते नजर आया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश सहित देश में हलचल पैदा हो गई थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे घटनाक्रम को खुद संज्ञान में लेते हुए सीधी एसपी और रीवा एडीजी को तत्काल पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया था, लेकिन प्रवेश शुक्ला पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग निकला था, जिसे देर रात्रि पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि प्रवेश शुक्ला गमछा बांधकर गमछे के सहारे फरार होने की फिराक में था। इसी दौरान सीधी पुलिस ने उसकी घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। प्रवेश शुक्ला के गिरफ्तारी की पुष्टि सीधी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले ने की है। फिलहाल प्रवेश शुक्ला से पूछताछ की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधी से। सीधी पुलिस ने पेशाब कांड के मुख्य आरोपी प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। अपना क्षेत्र में सूचना संकलन कर रहे थे विभिन्न जगह पर दबिश दे रहे थे। इसी आधार पर जो है लगभग रात्रि 2 बजे के आसपास जो है आरोपी को जो है हिरासत में लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ फिर प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जाएगी। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है इसकी? देखिए, इनकी जो आज है खुबी और उसके इर्द गिर्द के गांव में रेगुलर रूप से दबिश चल रही थी इनकी और उसी जगह पर जो है विभिन्न प्रकार के मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई थी, उस आधार पर उन्हें गिरफ्तार।